लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है वो 135 अरब, यानी 101 अरब 35 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता? हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं। हमें पैसे कितने चाहिए? 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए? इधर दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून। हमें पैसे चाहिए 36 अरब। 36 बिलियन। जी भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है, मतलब पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए। वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं कि ये कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है। तो भाई अगर ये सूरत हाल है तो फिर आपको कोई और रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए, सचमुच किसी से उधार ले लें जहर के पैसे जो हैं। इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा? वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे, चाइना के जो वजीर खारजे हैं वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है। 10,000 रुपए डेडिकेट करने का ऐलान करता हूं जिस वजीर को जहर खाना है। 10,000 में कम से कम पूरी काबीना फारिग कर सकता हूं मैं आज अभी इसी वक्त। किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है, कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत थी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान हर समय अपने आप को भारत से कंपेयर करने की कोशिश करता रहता है। हर चीज में उसे और कोई देश दिखाई नहीं देता, उसे बस अपनी तुलना भारत से करनी है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हर चीज में हम अपने आप को भारत से कंपेयर करते हैं और हर बार हमें मुंह की खानी पड़ती है। दूसरी तरफ चाइना को पछाड़ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इस डेवलपमेंट से भी पाकिस्तान मीडिया हैरान परेशान है। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली में सिंधु जल वार्ता चल रही है। पाकिस्तान मीडिया ये बता रहा है कि हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान की अगली जंग पानी पर हो। पाकिस्तान को इस वक्त 36 बिलियन के कर्ज की जरूरत है। अगर पाकिस्तान को यह कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। इस समय पाकिस्तान की चीन भी मदद नहीं कर रहा। आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, वो इंडिया की तारीफें कर रहे हैं और अचानक से उन्होंने इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दी है। जब उनके जाने वाले थे तब भी उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की थी, लेकिन यहाँ पर चाहे आप जो मर्जी कहें एज अ पाकिस्तानी या वट एवर, मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि वो गलत तारीफ कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही तारीफ कर रहे हैं और ये तारीफ उनको उस वक्त ही कर लेनी चाहिए थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त ही उनको ये बात कर लेनी चाहिए थी कि इंडिया ने किस किस फील्ड में इंडिया आगे गया है और कहाँ कहाँ पे उन्होंने अच्छे काम किए हैं, और उस चीज से हमें भी कुछ ना कुछ जो है सीखने की जरूरत थी। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई कंट्री हो या कोई इंडिविजुअल हो, अगर उसके साथ आपकी नहीं बनती लेकिन वो अगर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उसे सीख नहीं सकते। तो ये हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि हमारी हर गवर्नमेंट का, कि वो आते के साथ ही सबसे पहले हमें ये बताना शुरू कर देते हैं और अपने जाने तक बताते रहते हैं कि भारत से हमें बहुत खतरा है और भारत जो है वो हमें किसी वक्त भी जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ भारत इतना बिजी है कि भारत हमारी तरफ देख के, जैसे कहते हैं ना, कि एक नजर भी नहीं डाल रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि जाहिर है आपने अपने मुल्क की ऐसी हालत कर दी है कि अब किसी को भी पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। उन्हें मालूम है कि अगर पाकिस्तान के साथ हमने थोड़ी सी भी हेलो हाई की तो उसका नतीजा यही होगा कि हम उनसे भी कुछ मांगना शुरू कर देंगे कि जी आप हमें भी कुछ दे दीजिए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो चीज़ इस वक्त कह रहे हैं, चाहे वो जैसा मर्जी उन्होंने मुल्क चलाया हो, हमें तो हर एक से जो भी मुल्क के साथ सही नहीं रहेगा हम तो कहेंगे, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो या PTI हो। लेकिन अगर मेन चीज ये है कि मैंने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके वो इतनी ज्यादा अपने लोगों को जो है फैसिलिटीज देती है कि वो उसके बाद भारत में वो काम करते हैं। वहाँ के जो लोग हैं, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, चाहे जो भी कह लें, वहाँ के IT एक्सपर्ट्स, उसके बाद शायद वो बाहर भी जाते हैं बहुत लोग, लेकिन आपको यहाँ पे ही ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि आपके लोग यहाँ पे काम करें, ना कि बाहर जा जाके वो जॉब ढूंढे, तभी मुल्क आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वरना तो हमारा वही हाल है कि मतलब हम ना माने, हम कहें जी हमें तो भारत से टक्कर लेंगे, हम तो बड़े मजबूत हैं, लेकिन आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक 22 करोड़ के लोगों वाली कंट्री जो है
वो 135 अरब यानी 135 करोड़ वालों से कैसे हम टक्कर ले रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्यों कंपेयर करते रहते हैं हमें भारत के सिवा कोई नजर क्यों नहीं आ जाता। हम चले बांग्लादेश से कर लीजिए, नहीं भारत में ही जाके घुसना है और फिर उसके बाद वहां से मुंह की खा के वापस भी आ जाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, आप अगर रोड पे निकलें, अपने घर से बाहर जाएं, ये एसी को बंद कीजिए और थोड़ा सा बाहर निकलिए, धूप खाइए, तो आपको पता चलेगा कि आप किसी मार्केट में जाए, छोटी या बड़ी, आपको बेशुमार ऐसे लोग नजर आएंगे जो आपसे कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे। ये हालत पहले नहीं थी, इस वक्त ये तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की हालत बहुत खराब है। मसला ये कि बहुत सारे इश्यूज हैं, ये इधर इंडो पैसिफिक का क्या बनेगा, वो उधर सोलोमन आइलैंड पे पहुंचे चाइना के जो वजीर खारजा हैं, वहां बात उनकी बनी नहीं, वो डिफेंस डील नहीं हो सकी, उस पर अमेरिका खुश है, मतलब एक मैंने कहा ना पूरी दुनिया बड़े फैसले। अब बात ये है कि ये बात नहीं कि पाकिस्तान कहां देख रहा है, इशू ये है कि आप इस वक्त किसी ब्लॉक, कौन से ब्लॉक्स हैं ना, बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। इस वक्त एक ब्लॉक बना हुआ है एंटी रशिया ब्लॉक, जिसमें यूरोप के कुछ मुल्क हैं, एक है वो ब्लॉक जो कह रहा है कि हम अमेरिका के जबरदस्त इत्तेहादी हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी मुल्क, लेकिन रशिया पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हुआवे नहीं हटाएंगे चाइना का, तो वो एक पॉइंट ऑफ स्टैंड से बात करें। इंडिया, इंडिया की जरूरत है अमेरिका को यहां पे इंडो पैसिफिक में चाइना के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया जो है रशिया के साथ खड़ा हुआ है, तो मतलब ब्लॉक्स मुख्तलिफ मुल्क ब्लॉक। पाकिस्तानी से कहें ये जो बात है ना, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, छोड़ दें पाकिस्तानी, तो पाकिस्तान किस मतलब, पाकिस्तान अगर खामोश बैठा है तो कोई दुनिया मरी जा रही है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक में आ जाए, वो फैसले कर रहे हैं ना, क्योंकि आप ठुस हो गए हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं, तो एक ब्लॉक उधर बन रहा है, एक टॉक्स उधर हो रही है, एक बातें उधर हो रही हैं, एक उधर मीटिंग्स हो रही हैं, एक उधर एक्टिविटी हो रही है, आपके यहाँ एक्टिविटी हो क्या रही है, मुझे बताएं ना। आप डिवोर्स में जाके, तो डिवोर्स में तो आधी दुनिया बैठी होती है, उनके बिजनेसमैन भी होते हैं डिवोर्स के अंदर। ये इशू ये है कि आप ये या तो खुद हमने तय कर लिया कि हमने अलग ही रहना है, सारी दुनिया जब मरखब जाएगी तो इस कुर्रे अर्थ के ऊपर एक ही मुल्क बचेगा पाकिस्तान, फिर हम सोचेंगे कौन जीत गया भाई उसके साथ चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता। हमें पैसे कितने चाहिए, 1 बिलियन के लिए हम कर रहे हैं ना, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, कितने चाहिए जरा दिखाएंगे एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हमें पैसे चाहिए 36 अरब 6 बिलियन जी, अभी 1 बिलियन नहीं मिल रहा, 36 बिलियन फॉरेन लोन्स हमें चाहिए। ये मिफ्ता इस्माइल साहब की ताजा तरीन उनका एलामिया है, 36 बिलियन मुझे बताएं कहां से लाएंगे, मतलब लोगों से, लोगों को नचोड़ेंगे कहां से लाएंगे, IMF से अभी आप बात कर रहे हैं कि 6 से उसको 8 कर दिया जाए, 36 बिलियन आपके अपने कर्जे देने हैं, अपने इसकी कोई स्ट्रेटेजी है 36, ये बड़ा आसान सा बयान है ना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की फ्रंट पेज है, कंटिन्यूड 36 बिलियन इन फॉरेन लोन्स, ओ भाई इसकी स्ट्रेटेजी क्या है।